हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को मारे बगैर अपनी बात किस तरीके से मनवा सकते हैं देखिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो हर एक पेरेंट के लिए आजकल बहुत बड़ा बन चुका है जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की पिटाई भी ना करें और हमारा बच्चा मान जाए ज़्यादातर तो ये होता है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है तो हम उसके दो लगा देते हैं कब तो बात माने का ये हमारे पास एक सबसे ईजी वे हो गया है आज के टाइम में ज़्यादातर पेरेंट्स पिटाई करते हैं अपने बच्चों की ताकि उनका बच्चा आसानी से उनकी बात मान जाए लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जब आप अपने बच्चे को मारते हो ठीक है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है ठीक है उसको ये पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे ठीक है तो एक अंदर उसके अंदर एक खौफ पैदा हो गया एक डर पैदा हो गया है दूसरी बात यह वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है उसे ये लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ऐसे पिटाई लगेगी अगर मैंने ये नहीं किया तब मेरी पिटाई लगेगी तो वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कम समझने लगता है उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे ऐसे नहीं करते, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बात बात कर बोलते हैं मम्मा आप तो ऐसे नहीं करती हैं पापा आप तो ऐसे नहीं करते हैं उसके पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा मतलब सोचते हैं करते हैं मेरे साथ भी मेरी बेटी ने भी एक बार कहा था पता नहीं किस बात के लिए कहा था कि मम्मा आप तो ऐसे नहीं करती हैं तो मैंने उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर आपकी मम्मा ऐसा नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं और जो आपकी मम्मा करती हैं वो उसके शायद पेरेंट्स ना करते हों मैंने उसको बहुत ही एक, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे एक तर्क के साथ मैंने उसको समझाई थी वो चीज़ और वो बहुत बड़ी बात नहीं थी बहुत छोटी सी बात थी जो मुझे लगा था कि शायद उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है और वो मुझे बात अभी एक अच्छे से बहुत अच्छे से वो बात याद नहीं है अदरवाइज़ मैं आपको वो चीज़ ज़रूर समझाती क्योंकि वो बहुत बड़ी बात नहीं थी तो मैंने उसको समझाया तो वो समझ गई फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब आप अपने जैसे आप बहुत गु़स्से में हैं आपने अपने बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा सारा निकाल दिया गुस्से में क्यों होते हैं आप ज़्यादातर कंपैरिजन जब होता है आपका बच्चा तो देखो उसके बच्चे को देखो फला के बच्चे को वो कितना आगे निकल गया तुम भी ऐसे होने चाहिए तुम्हारे भी इतने मार्क्स आने चाहिए आपका जो आप जो प्रेशर बढ़ा रहे हो बच्चे पर आपके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है कि आपका बच्चा भी दूसरे बच्चे के बराबर आना चाहिए नहीं तो ज़्यादा आना चाहिए अपने कज़न्स जो साथ के कज़िन्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है पीयर प्रेशर होता है मतलब तो तो ये है कि जो प्रेशराइज होकर जो हम काम करते हैं जो हमारा गु़स्सा होता है हम एक गु़स्से में आ जाते हैं कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है उस बात पे पिटाई कर दी उसके मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं आए उसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए उस बात पर पिटाई कर दी तो इससे क्या होता है बच्चा भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसके अंदर भी एक गुस्सा पैदा हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है तो हमें क्या ज़रूरत है हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि बच्चा आपका आपकी सारी बात माने और आपको बच्चे की पिटाई भी ना करनी पड़े देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको अपने गु़स्से पे कंट्रोल करना है और ये आप ही कर सकते हैं अपने गु़स्से पर कंट्रोल कंट्रोल करना आसान है अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुट्ठी टाइट बंद कीजिए और उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और आराम आराम से पढ़िए यकीन मानिए नुस्खा ऐसा है जो ग़ुस्से को कंट्रोल कर लेता है काफ़ी हद तक पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है जब आप अपने कंट्रोल कर रहे हो गुस्से को क्योंकि आप अगर अपने बच्चे के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं चेंजेस लाना चाहते हैं चाहते हैं कि वो सही हो जाए एक सही टाइम पर वो सही बिहेव करे तो उसके लिए आपको चेंज होना ज़रूरी है सबसे पहले आपको चेंज होना पड़ेगा आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा कि वो उस तब्दीली को ले उसको मतलब ऐस... पहले महसूस करेगा बच्चा एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा आप सोचेंगे कि आज मैं ऐसा करूंगा और कल मेरा बच्चा एकदम चेंज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है हर चीज़ में एक वक्त लगता है उस वक्त को दीजिए अपने बच्चे को और ख़ुद भी उस वक्त को लीजिए आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे और आपके बच्चे के अंदर भी चेंजेस आएंगे गुस्से जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं आपने देखा होगा वो एहसास से कम तरीका शिकार हो जाते हैं और गु़स्सा ज़्यादातर क्यों होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन पर गुस्सा निकालते हैं तो और वो अपना गुस्सा कहाँ निकालें वो छोटे बच्चों पर निकालते हैं गुस्सा मतलब कि अपने भाई बहन पर निकालते हैं या फिर अपने जितने भी पियर फ्रेंड्स होते हैं उन पर निकालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए अब मोटिवेशन किस तरीके से करना चाहिए अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें प्यार करें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आपने बहुत अच्छा किया और आप इससे भी अच्छा कर सकते हो उसको इस तरीके से मोटिवेट करें उसके साथ प्यार से खेलें या और अपना टाइम एक इन्वॉल्व करें उसके साथ उसको टाइम दें थोड़ा सा ताकि बच्चा आपको भी समझ पाए और आप अपने बच्चे को समझ पाए जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ ज़्यादातर क्या होता है जब कज़न्स वगैरह सब मिल जाते हैं तो खेल रहे होते हैं बीच में क्या होता है एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है या फिर भाई बहनों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है तो हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं भैया बच्चे ने अगर एक घंटा खेला है हम उसको छोड़ देंगे वो दस मिनट की लड़ाई को हम याद रखते हैं कि दस मिनट तुमने मतलब तुम लड़े जा रहे हो इसी बात पर मतलब आपने डांट लगाना शुरू कर दिया के लड़ने के लिए मतलब लड़ो मत बिल्कुल भी आराम से खेलो प्यार से खेलो मोहब्बत से खेलो हम ये बात बोलते हैं लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पचास मिनट खेला है पचपन मिनट खेला है वो बहुत प्यार से मोहब्बत से खेला है तो हमें उनकी गलतियों को एक तरफ़ नज़रअंदाज करें थोड़ा सा और उस पचपन मिनट को याद रखें कि वो पचपन मिनट उन्होंने अच्छे से खेला है तो उस पर उन्हें मोटिवेट करें कि वाह कितने प्यार से आप खेल रहे हो आप कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हो मतलब इस तरीके से आप जब उनको मोटिवेट करेंगे यकीन मानिए बच्चा फिर और ज़्यादा प्यार से खेलेगा और ज़्यादा मोहब्बत से खेलेगा जैसे कि एक कहावत भी है कि जिस तरीके से आप चाहते हो आपके बच्चे का बिहेवियर बने तो उसके लिए आपको वो बिहेवियर पैदा करना होता है उसको उसी बिहेवियर के लिए अप्रिशिएट करना होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा बने तो हर एक काम पे उसको मोटिवेट करो हर एक काम के लिए उसको प्यार करो जैसे कि मैं अपनी बेटी को करती हूँ वो छोटा सा भी काम करती हुई है उसको प्यार करती हूँ उठते प्यार करती हूँ बैठते प्यार करती हूँ चलते फिरते प्यार करती हूँ ताकि वो मेरा काम जो मैं उसको कह रही हूँ वो बहुत प्यार से करे उसको लगे कि हाँ मम्मा बहुत प्यार से मुझसे कोई काम करवा रही हैं तो मुझे करना चाहिए और वो उस बात के लिए फिर मना भी नहीं करती हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ये एक ऐसा पॉइंट है ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है हमें पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का एक जो सिस्टम है वो रखना बहुत ज़रूरी है अपने घरों में क्योंकि देखो बच्चा गलती करता ज़रूर है ठीक है कोई भी ऐसा नहीं है हम इंसान हैं इंसानों से गलतियाँ होती हैं तो जब बच्चा गलती करे तो उसको उस बात पे पनिशमेंट दीजिए और अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो उस पर रिवॉर्ड दीजिए अब पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर ये यह नहीं है कि आपने उसको पिटाई कर दी रूम में लॉक कर दिया ब्लैक रूम में लॉक कर दिया ये मतलब ऐसा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है एग्रेसिव नहीं होना है और कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं देना है जिससे बच्चे के दिमाग पे गलत असर पड़े आपको पनिशमेंट कैसा देना है कि जैसे कि आप मान के चलिए कि आपने कोई बाहर जा रहे हैं आप ठीक है आपका आप बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपके एक बच्चे ने कहा कि मैं मुझे ये चीज़ चाहिए जैसे जिद करते हैं ना बच्चे मार्केट में जाके मुझे ये चीज़ चाहिए था तो चाहिए तो आपको वो चीज़ नहीं जैसे आपने नहीं, मुझे नहीं दिलाना ये चीज़ बट आपके पास ऑलरेडी है ये चीज़ ठीक है तो आपने कहा कि अगर मैं आ, मुझे ना अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ मिली जो आपके पास नहीं है वो मैं आपको दिलाऊंगा वो टॉय मैं आपको दिलाऊंगा जो आपके पास नहीं है आपने एक उसको कमिटमेंट दिया कि मैं अगर मुझे कोई ऐसा टॉय दिखा जो आपके पास नहीं है तो वो मैं आपको ज़रूर दिलाऊंगा ये एक आपका कमिटमेंट हुआ अपने बच्चे के लिए अब वो टॉय आपको मार्केट में नजर आ गया और आपके बच्चे ने आपको बताया कि देखिए फादर मेरे पास वो वाला टॉय नहीं है पापा आप मुझे वाला टॉय दिलाइए तो आपको उस कमिटमेंट को अपना पूरा करना है क्यों क्योंकि आपने अपने बच्चे से वादा किया है अपने कमिटमेंट को पूरा करना सीखे जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे यकीन मानिए बच्चा भी अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा अपने प्रोमिसज को याद रखिए अब जैसे मैं आपको कल का ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं मार्केट गई मैं मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा आप यहाँ रुकिए घर पे दादी के पास रुकिए मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ ठीक है तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए और वाकई में घर पे चॉकलेट नहीं थी उस टाइम पे वो मेरी चॉकलेट एक शॉप पे रखी हुई थी तो मुझे वहाँ से वो लेकर आनी थी तो मैंने कहा ठीक है मैं घर आऊँगी तो मैं आपको चॉकलेट दे दूँगी ठीक है घर पर आते ही सबसे पहला सवाल ये था मम्मा आपने चॉकलेट नहीं दी माँ तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपको चॉकलेट देती हूँ लेकिन मैं क्या करती हूँ मैं उस टाइम पे चॉकलेट ना देके मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको मैं स्कूल में दूंगी चॉकलेट स्कूल में देने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे घर पे ना लड़ाई नहीं होती एक देती हूँ तो दो मांगती हैं क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ घर में चॉकलेट्स तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है तो एक की जगह दो दो खाने को मिलती हैं उनको तो इसलिए मैं क्योंकि कैविटीज़ होने का डर रहता है तो मैं उनको स्कूल में देती हूँ ताकि उनको सिर्फ़ एक ही मिले और वो और ऑप्शन ना रहे उनके पास मांगने का तो कहने का मकसद ये था मैं अपना प्रॉमिस पूरा करती हूँ कभी भी ये नहीं करती कि मैंने कोई प्रॉमिस किया है और उसको तोड़ दूँ क्योंकि देखो आज मैंने तोड़ दिया कल मेरे बच्चे भी मुझसे प्रॉमिस करेंगे और वो तोड़ देंगे मैं ये नहीं चाहती हूँ बच्चों में चेंज चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है हमें बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए नज़रअंदाज़ करना चाहिए छोटी छोटी गलतियों को अब वो छोटी छोटी गलतियाँ कैसी हो सकती हैं जैसे कि बच्चे किस तरीके से खाना खा रहे हो बैठ कर किस तरीके से चल रहे हो किस तरीके से खेल रहे हो ये काम किस तरीके से कर रहे हो हर बात पे टोकना अच्छा नहीं होता है नेगेटिविटी आ जाती है बच्चे के दिमाग में तो हमें क्या करना है बहुत अच्छे से बच्चे को लेकर चलना है छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करना है उसकी पढ़ाई पर अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो उसको पूरे साल दीजिए ये ना हो कि एग्ज़ाम टाइम में तवज्जो दे रहे हैं और उसी टाइम पर जब तवज्जो दे रहे हैं बस उसी पर आपने मार पिटाई शुरू कर दी है और आप फिर उस उस टाइम पर क्या करते हैं छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाते है उसके लिए उस टाइम पर आपके लिए छोटी छोटी जो बातें होती है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम होता है एग्ज़ाम प्रेशर होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पूरे टाइम बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें बच्चों के लिए हरदम तैयार रहें और जो उसके स्कूल में चल रहा है जो उसके एकेडमिक्स में चल रहा है उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहें उसको देखते रहें कि किस तरीके से बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें अब स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से सीखना है कि आप ऐसे माहौल बनाए अपने घर का कि जहाँ पर स्ट्रेस फ्री हो घर ऑफिस से आए हैं आप कहीं से भी आए हैं तो आकर बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना निकालें बच्चों का हर काम आपको जाने से पहले रेडी रखना है आने के बाद आपका वो काम रेडी होना चाहिए आप हर एक माँ को ये पता होता है कि उसके बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो आप पहले से ही उस चीज़ का मैनेजमेंट करके रखें ताकि आने के बाद आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना हो और आप गलती से भी अपने बच्चों के ऊपर वो अपने स्ट्रेस को ना निकालें ज़्यादातर होता क्या है जब हम बाहर से आते हैं तो हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं अगर हमसे बच्चा पानी भी मांग रहा होता है ना हम कहते हैं जाके खुद ले लो होता है ये लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमें बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहना है एक बॉटल फुल करके रखिए ताकि बच्चा अपना सिपर अपने आप ले और पी ले ठीक है इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है हर चीज़ में बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है हर बच्चे को थैंक था, यू सॉरी एक्सक्यूज़ मी इन सब चीज़ों की वैल्यू बतानी है ताकि वो आपके साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो सके और अच्छे से अब एक बच्चा जो है वो अच्छा रेज हो सके ठीक है छोटी छोटी ये पॉइंट्स हैं अगर इनको आपने अपना लिया यकीन मानिए आपका बच्चा आपकी हर बात मानेगा और आपको पिटाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा Thank you.